आवाज की दुनिया के दोस्तों, कविता अच्छा लगे शेयर करें, आपकी मैत्री कृपा पुण्यात्मा होगा। यदि शांति आधारित प्रगति आज की जरूरत है तो ईश्वर को वास्तव में जानकर आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करना ही एकमात्र रास्ता है। ईश्वर यानी हमारी व्यक्तिगत चेतना, आत्मा की सर्वव्यापी मुख्य धारा जो मानव शरीर के आसपास मौजूद है। ट्विंस, नजारा देखने लायक है। पहले से साफ जगह पर लोग झाड़ू लगा रहे हैं, एक दूसरे की बात मना रहे हैं, झाड़ू जुगलबंदी चल रही है, दिखावे की सफाई पर तंज, ट्रेप में हनी। जीवन सदैव मौन या एकांत में मिला है। अभ्यास कीजिए, उस देव स्थान पर कितना भी शोर हो पर आपके भीतर शांति घर जाए। दूसरे क्या कर रहे हैं ये छोड़ प्रार्थना कीजिए, अपना रोम रोम धैर्य से भर लीजिए। पूजा पाठ कर्म कांड हल्ला गुल्ला ये अपनी अपनी रुचि का विषय है मित्रों, और काफी हद तक मनुष्य की मानसिकता पर टिका है। जो श्रेष्ठ है मिल सकता है उसे लपक लीजिए। हरे हरे। फांसी सबसे दर्दनाक और बब्बर याचिका में फांसी को मौत का सबसे दर्दनाक और बब्बर तरीका बताते हुए जहर का इंजेक्शन लगाने, गोली मारने, गैस चैम्बर या बिजली के झटके देने जैसी सजा देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है फांसी से मौत में 40 मिनट तक लगते हैं, जबकि गोली मारने और इलेक्ट्रिक चेयर पर केवल कुछ मिनट में। भ्रष्टाचार मामले में अधिशांश अभियंता को 4 वर्ष की सजा। व्रत खोलने की शुरुआत घूंट घूंट कर पानी पीने से करें, इससे शरीर बैलेंस हो जाएगा। दिन भर ऐसा रखें शेड्यूल, इस दिन आपको अपनी दिनचर्या सामान्य दिन से थोड़ी अलग रखनी चाहिए। जैसे जिस तरह की साफ सफाई आप अपनी दिनचर्या में करती हैं उसे इस दिन के लिए कम कर दें, वरना सुबह के समय से ही आपकी ऊर्जा कम हो सकती है, जिसके बाद चक्कर आने व बेचैनी की समस्या हो सकती है। हल्की फुल्की सफाई कर सकते हैं। एक गिलास दूध, नींबू पानी, फलों का जूस, नारियल पानी बनाने से आदि पी सकते हैं। यदि डायबिटीज है तो सीमित मात्रा में फल जूस व बादाम खा सकती हैं। हरे हरे। मानवीय दृष्टिकोण से ही वैश्विक शांति संभव है। सुख तथा दुख दो तरह के होते हैं, मानसिक और शारीरिक, और इन दोनों में से मानसिक दुख और सुख अधिक तीव्र होते हैं। दुख को झेलने और सुख के स्थायी भाव की स्थिति के लिए चित्र शोधन की आवश्यकता होती है, पर सुख को लेकर मेरी एक सामान्य ठोस सोच भी है। आंतरिक शांति, अधिक विकास और सबसे ऊपर विश्व शांति का समन्वय, ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक उत्तरदायित्व की भावना आवश्यक है। नस्ल, रंग, लिंग या राष्ट्रीयता से ऊपर उठी सभी के लिए एक गहरी चिंता का भाव। दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाला ही ज्ञानी। मित्रों, दूसरों की बुराई मत देखो, दूसरों के विषय में बुरा मत सोचो, क्योंकि ऐसा करने से कर्मबंध के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ज्ञानी वह कहलाता है जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, दूसरों की निंदा नहीं अपितु प्रशंसा करता है। सफलता चाहिए तो क्रोध से बचे। संत, वस्तु में उपादान न निमित्त शक्ति होती है। हम जितना पुण्यवान बन सकते हैं उतना ही पापी भी बन सकते हैं। क्रोध करने वाले में क्षमा करने की शक्ति नहीं होती, बुरा कार्य को पहचानने की शक्ति नहीं होती। स्वयं की अच्छाई स्वयं को नहीं करनी चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। मनुष्य ने कहा कि गुरु भगवान अच्छे हैं, लेकिन शिष्य भक्त कुछ हो जरूरी नहीं है। अधर्म में धर्म देखना कठिन है। मनुष्य के पास बुरे कार्य के साथ अच्छे कर्म करने की शक्ति होती है। पाप को मिटाने के लिए देव दर्शन करने पड़ते हैं।
सबका उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनने का होना चाहिए। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, हरे हरे।